सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। तो आज का ब्लॉग कुछ अलग होने वाला है। तो हम कहीं कुछ खाने नहीं जा रहे, किसी की हेल्प करने नहीं जा रहे। आज मैं फैमिली ब्लॉग बनाने वाला हूँ। आपको याद होगा जो मेरे को बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं कि मैंने भाई की इंगेजमेंट का ब्लॉग बनाया था। भाई की शादी आने वाली है तो उसी की तैयारियाँ चल रही हैं। भाई के कपड़े लेने के लिए जा रहे हैं और आपको एक बात बताऊँगा एंड में। अभी थोड़ा सा कुछ हुआ है जिसके कारण मेरा पार्टनर जो कि कैमरा पकड़ता है, मेरा भाई, वो घर पे है, तो उसके बारे में बताऊंगा। और गाइज, मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, तो थैंक यू सो मच। बहुत कुछ सोचा था कि पार्टी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बट वो जो रीज़न है उसके कारण हम कुछ नहीं कर पाए, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे ब्लॉग में। तो चलो दिखाते हैं आगे, पूरा ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, रास्ते की फुटेज दिखाऊंगा। बाहर बहुत ज़्यादा फॉगी सा मौसम हो रखा है, मॉर्निंग का टाइम है, 10-11 बज रहे हैं और पूरा मौसम पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है क्या बताऊँ। चलो दिखाता हूँ आपको और ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। रास्तों से मेरी गहरी यारी हो गई, जो फर्ज से भरा था बस था वो भी खाली हो गया। बुरा है जमाना, तू चल टकर न कर अगर मगर। कैसा है ये सफर, कपड़े लेने के लिए। अब दिखा देता हूँ आपको, देखो पीछे पहन करके देख रहे हैं, ट्राई करके देख रहे हैं कैसे लग रहे हैं। और बाहर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है यार। और भाई इधर देख, हाँ ऐसे पहन ले, ये दिखा, इधर देखियो ये वाले शूज पहन ले और ऐसे ही, हाँ ये सही लग रहा है। तो इसके साथ का ना वो मत ले तू, है ना, यही इसी में चल, कुछ कम हो जाएगा। हाँ बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया है तो ऐसे चल लिए। पगड़ी वगड़ी पहनेगा या फिर ऊपर वो चुन्नी उन्नी मान लेगा कुछ। तो क्या पहले डाल, फेसबुक पे नहीं यूट्यूब पे डालूंगा, दुनिया को पहले पता क्या पहन रहा है। तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, पता चल जाएगा। तो क्या हो गया है भाई? हाँ भाभी तो वीडियो, और पता चल जाएगा, दुनिया को पता चल जाएगा। भाभी तो वीडियो देखती है मेरी, मुड़ी इधर मोड़, ठीक लग रहा है। टाई लगा दे ना, ब्लू कलर की, फिरोजी टाइप में आई। टाई भी लगानी पड़ेगी, टाई लगा लेगा तो और प्रोफेशनल हो जाएगा ना। बढ़िया, बहुत अच्छा लुक देगा। चाह रहा हूं ऑफिस कहीं ना हो जाऊं, लेके आ जाऊं टाई। हां लेके आओ भैया, देखते हैं एक बार ट्राई करके। जबरदस्त लगेगी, जबरदस्त मैचिंग लगा दूंगा लुक के। बढ़िया भाई, लगाओ ठीक है। उन्होंने चीज भाई के लिए सिलवाई है और मॉर्निंग में, मतलब शादी के टाइम पर पहनेगा शेरवानी और उसके बाद मॉर्निंग में पहनेगा ये 3 पीस। सब पूछेंगे किसने बताया आपको? भाई साहब मॉडल, फोटो भी क्लिक कर लेता हूँ। हाँ दो तीन पोज दे, चल दो तीन पोज दे भाई। हाँ मेरी वीडियो में लोग कहेंगे इस मॉडल को लेकर के आओ, देख ले कहीं वीडियो। हाँ अच्छी लग रही है, किसी बॉलीवुड में किसी को अगर ये वीडियो देख रहा है, भाई से कांटेक्ट करना है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। किसी को अपनी वेब सीरीज के लिए कोई हीरो वगैरह चाहिए हो तो भाई अगर चाहिए हो तो नीचे कमेंट कर देना, मिल
हाँ निकाल दे, ठीक है। तो हम शॉपिंग करके आ चुके हैं, भाई और मैं और मौसी लोग को छोड़ दिया है, वो लोग स्टेशन पे हैं और गांव जा रहे हैं। आज 25 तारीख को भाई की शादी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। जो मेरे पिछले व्यूअर्स हैं, जो मेरे को बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं, उनको पता होगा मैंने भाई की इंगेजमेंट की वीडियो भी बनाई थी और अब शादी की वीडियो भी आने वाली है। गाँव में कैसी शादियाँ होती हैं मैं वो आपको दिखाने वाला हूँ। और मैं आपको बताने वाला था कि मेरा पार्टनर क्यों आज मेरे साथ नहीं था इस ब्लॉग में, क्योंकि बहुत कमी महसूस हुई मेरी। पहली बात तो मेरे को उसकी मेरा कैमरा पकड़ लेता था और मेरे को चीज़ें बता देता था कि किस किस तरह से तेरे को शूट करना है, सारा कुछ वही संभालता था, एडिटिंग से लेकर वीडियो डालने तक वही संभालता है अभी भी। हाँ, तो ये वीडियो भी वही डालेगा, बट मैं यहाँ से अपलोड कर दूँगा, बाकी एडिटिंग उसी को करनी है। तो बात ऐसी हुई कि 4-5 दिन पहले मामा ने कोविड टेस्ट कराया, मामा को थोड़ा सा फीवर था तो हमने बोला कोविड टेस्ट कराने के लिए। उन्होंने कोविड टेस्ट कराया और जैसे कि आपको पता है इस टाइम कोविड कितना ज़्यादा फैला हुआ है, रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 5-6 दिन हो चुके हैं और अभी सिचुएशन नॉर्मल है, मामा बिल्कुल ठीक हैं, कोई वैसी बात नहीं है, बट फिर भी क्वारंटाइन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए वो लोग अभी क्वारंटाइन हैं और हम उनसे मिल नहीं पा रहे हैं। बट उनको जो भी ज़रूरत होती है हम उन तक पहुँचा देंगे, वो हमें डायरेक्टली कॉल कर देते हैं और देन हम उनके पास तक पहुँचा देते हैं। बाकी मतलब अपने भाई की कमी इस टाइम पर बहुत महसूस हुई, क्योंकि सारा कुछ अपने आप करना पड़ा। वो मैं मतलब इतना लंबा टाइम लगता नहीं मुझे ब्लॉग बनाने में जब वो साथ में रहता है, क्योंकि मेरे को वो चीज़ें बता देता है, भाई तेरे को ये करना है, ये करना है, ये करना है और ये करना है, पूरा ब्लॉग बन जाता है। बट आज मेरे को खुद सोचना पड़ा और खुद करना पड़ा, तो पता चला अकेले रहकर ब्लॉग बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो जो मेरे 1000 सब्सक्राइबर हुए हैं तो उसमें सबसे बड़ा हाथ मेरे भाई का ही है। कितनी भी दूर हुआ, हम यहाँ से द्वारका सेक्टर 13 तक गए बाइक पे, इतनी दूर, और वो मेरे साथ था। और हम यहाँ फरीदाबाद 37 गए, वो मेरे साथ। तो हर चीज़ में वो हमेशा मेरे साथ रहता है। आने वाले व्लॉग में वो आपको दिखने वाला है और ऐसे ही जैसे करता है वैसे ही करता रहेगा। बाकी आज व्लॉग बनाने में बहुत मुश्किलें आईं, क्योंकि भाई साथ में था नहीं और मेरे को बताने वाला कोई था नहीं कैसे व्लॉग बनाना है। बट फिर भी जैसा भी बना मैंने बना दिया, और अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो थोड़ा सा मैनेज कर लो, और अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक बटन ज़रूर दबा देना। और फिर से थैंक यू सो मच, आपने 1000 सब्सक्राइबर करवाए। और अब ये सब कुछ सारी सिचुएशन ठीक हो जाए, फिर भाई के साथ मिल करके 1000 सब्सक्राइबर की सेलिब्रेशन जो करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम करेंगे, और मैं बताता हूँ सेलिब्रेशन किस तरह का होने वाला है। हम कुछ चीज़ें खरीदेंगे खाने की, और जो भी गरीब लोग हैं जिनको एक टाइम का खाना नहीं मिलता, हम वो चीज़ें उनको डोनेट करेंगे और वो वीडियो में दिखाएंगे आपको। और जब देखते हैं भाई पहले पूरी सिचुएशन ठीक हो जाए, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए, फिर हम वो वाली वीडियो शूट करेंगे और देखते हैं फिर आगे। तो यार वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करें बिना मत जाना, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। भाई की शादी में जाएंगे और वीडियो बनाएंगे, भाई की जो इंगेजमेंट वाली वीडियो थी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक ज़रूर करना कैसी थी वो वीडियो, और ज़रूर कमेंट करके बताना। और देखते हैं भाई जब ठीक होता है, सारी सिचुएशन बिल्कुल ठीक होगी और उसके बाद हम दोबारा से मिलेंगे और 1000 सब्सक्राइबर वाली भी वीडियो बनाएंगे। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ, होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। बाय बाय।